17 जून 2023 शाम 6 बजे का वक्त, जब जिला कठुआ सब डिवीजन बनी के लवांग इलाके में सनसनीखेज माहौल पैदा हो गया। दरअसल तारिक अहमद अपने परिवार के साथ दिन भर खेती बाड़ी कर घर को वापस लौट रहे थे, तो अचानक से एक बच्चा और एक बच्ची नदी पर लगे लकड़ी के पुल से फिसल कर नदी में गिरे। बच्ची को तो बचा लिया गया, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चला। बच्चे का नाम साकिब, उम्र लगभग 11 साल। के नदी में गिरने की खबर ने लोगों को घरों से निकालकर उस जगह पहुंचा दिया जहां साकिब नदी में गिरा था। लोगों ने रात को ही नदी में साकिब को ढूंढने की कोशिश की और रात 9 बजे ना मिलने पर लोग घर को लौट गए। गुज़श्ता कल सुबह 4 बजे उस जगह पर लोग पहुंचे और नदी के एक मखसूस हिस्से में पूरे दिन तलाश जारी रखी, और इस दिन मकामी लोगों के साथ साथ SDRF की टीम ने साकिब को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन साकिब नहीं मिला। आज साकिब की तलाश का तीसरा दिन, लोगों ने सुबह सवेरे नदी के मुख्तलिफ हिस्सों का रुख किया। आज नदी के एक बड़े हिस्से को खंगाला गया जिसमें बनी, आसो, चांदल, लवांग का इलाका शामिल है। लोगों ने नदी के किनारों के साथ साथ नदी के एक एक सुराख को खंगालने की कोशिश की। एक बड़े पैमाने पर नदी के इस मखसूस हिस्से पर तलाश की गई जहां से साकिब नदी में गिरा था। SDRF की टीम के साथ साथ मकामी तैराकों ने भी काफी मेहनत की, लेकिन साकिब का कुछ पता नहीं चला। आज की इस तलाश के दौरान ASI लवांग और पुलिस के एहलकार भी मौजूद रहे। साकिब के ना मिलने पर लोग आज नाउम्मीद होकर घरों को वापस लौटे। पानी के इस बढ़ते बहाव और ठंडे पानी में साकिब को लगभग 48 घंटे हो चुके हैं। अब साकिब के जिंदा होने की उम्मीद तो किसी को नहीं, लेकिन साकिब मिल जाए और आखिरी रसूमात अदा की जाएं, यही सबकी कोशिश है। मकामी बुजुर्गों से सुनी बात के मुताबिक जिन महीनों में दरिया सूख जाते थे, यानी पानी कम हो जाता था, मगर इस बार उन्हीं महीनों में नदी में पानी का बहाव ज्यादा है। मकामी लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक साकिब इस कदर शरीफ कि साकिब ने अपने इस बचपन में भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया।